दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच देखने के लिए उत्सुक है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में ग्वालियर के मैदान पर भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब एक बार फिर दोनों टीमें दूसरा T20 मैच खेलने के लिए दिल्ली के मैदान पर आमने सामने हुई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटनदास के साथ परवेज हुसैन इमान की तरह खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी खिलाड़ी मयंक यादव और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक पर हार हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी है मैच जिताने की, क्योंकि इसके अलावा और कोई बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता ही नहीं था। अब दोस्तों, यहां T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो इसी मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। सबने सोच लिया था कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सूर्या ऐसे ही थोड़ी ना T20 के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। 4थी गेंद पर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए सूर्या ने सामने की तरफ 70 मीटर लंबा खतरनाक छक्का जड़ दिया। गेंदबाज का तो अभी से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम की जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए
उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग सिक्स ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि हम मुकाबला दूसरे टी20 मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला गया और ये मैच की हाईलाइट है। लेकिन दोस्तों जब प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो रियल मैच में क्या होगा किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत के खिलाफ पाकिस्तान की महिला टीम की हार के बाद बौखला उठे पाकिस्तान के खिलाड़ी। पाकिस्तान की टीम को खटका लगाने के साथ भारतीय टीम की करी जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। इस बीच मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम से लेकर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने एक ऐसा बयान भारतीय टीम की जीत पर दे दिया है जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत पर क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच दुबई के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 105 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से निदा दार ने सर्वाधिक 28 रन का योगदान दिया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, तो वहीं श्रियंका पाटिल को 2 विकेट मिले। हालांकि 106 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की तूफानी पारी के चलते भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत हासिल की और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बाबर आजम ने अब बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। हालांकि हमारी टीम भारतीय टीम के खिलाफ मैच को जीतकर अंक तालिका में बेहतर स्थिति पर हो सकती थी, लेकिन हमारे महिला खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी महिला खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ भारतीय टीम को परेशान करने की जरूरत थी, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते हमारे पाकिस्तान की महिला टीम को भारतीय टीम के खिलाफ दिक्कत का सामना करना पड़ा और इस महत्वपूर्ण मैच में एक बार फिर से भारत के सामने हार का मुंह भी देखना पड़ा। तो वहीं मोहम्मद रिजवान ने बयान देते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से जीत का प्रबल दावेदार माना गया है, चाहे वो पुरुष टीम हो या फिर महिला भारतीय टीम, किसी और टीम के खिलाफ खराब प्रदर्शन करे या ना करे, लेकिन इस टीम के लिए और इस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन बिल्कुल भी खराब तरीके से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस टीम के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो बड़े मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भारतीय टीम का जीत दर्ज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पुरुष टीम के अलावा महिला टीम भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहीं हारिस रऊफ ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम को इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से जीत मिल सकती थी, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की महिला टीम ने दबाव को हैंडल करने का कारण नहीं बताया, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान की महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय महिला टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए विरोधी टीम को आसानी से परेशान कर सकते हैं और भारतीय महिला टीम ने इस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर हमारी पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से परेशान कर सबसे बड़े मंच में और सबसे बड़े मैच पर हरा दिया। वहीं शाहीन शाह अफरीदी ने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारी महिला टीम एक बार फिर से भारत का बड़ा नाम देखकर अपने आप ही दबाव में आ गई और इस मैच में बुरी तरीके से हार गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय महिला टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर इस तरीके से हमारी पाकिस्तान की टीम के पास में भी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद होते तो शायद हमारी टीम को इस मैच में जीत मिल सकती थी, ऐसे में अब हमारी महिला टीम को काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हमारी टीम अभी भी जीत के साथ लगातार आगे बढ़ती चली तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुँच सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में पाकिस्तान की टीम की हार का असली कारण क्या रहा है और शेफाली वर्मा से लेकर स्मृति मंधाना,
दीप्ति शर्मा ने एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जीत के बाद जारी कर दिया है जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिरकार इस मैच में जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच आज वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 105 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया और इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 5 ओवर में 22 रन 1 विकेट पर बना लिए और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मैच को अपने नाम किया।